वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे कंप्लाइंसेस की। हम प्रोफेशनल्स की लाइफ में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। न्यू मंथ स्टार्ट हो गया जून का, तो आपके साथ शेयर कर रही इस वीडियो में जीएसटी के कंप्लाइंसेस, इनकम टैक्स, साथ ही पैन आधार लिंकिंग और आरओसी के कुछ कंप्लाइंसेस। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर स्क्रीन पे आपके सामने है हमारी वेबसाइट studywori.com, यहाँ पे हमारे कोर्सेज एक्टिव है, मैगजीन है, अपडेट्स है, बहुत सारे ऑप्शन है। अभी तक क्या था, हमारी जो ये वेबसाइट थी आपके लिए डेस्कटॉप लैपटॉप पे अवेलेबल थी। अब मोबाइल आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा आपके साथ रहता है। तो स्टडीवरी की मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो गई है, ऐप लॉन्च ऑफर भी आपके लिए 25% का डिस्काउंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं। कैसे मिलेगा वो डिस्काउंट, उसके लिए वीडियो देख लीजिए, मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है। प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड करिए, जैसे और ऐप डाउनलोड करते हैं आप स्टडी वडी सर्च करके, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। हमारे कोर्सेज के डिस्कशन में करूंगी वीडियो के एंड में। तो चलिए पहले डिस्कशन करते हैं जीएसटी की डेट्स। सबसे पहली डेट जीएसटी में आएगी 10th जून। 10 जून को आपको फाइल करनी है जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8। जीएसटीआर 7 किसकी रीड ऑन है, जो जीएसटी में टीडीएस डिडक्ट करते हैं। जीएसटीआर 8 किसकी रीड ऑन है, जो जीएसटी में टीसीएस डिडक्ट करते हैं, जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। अगर आपके ये क्लाइंट्स हैं तो आपको इनकी रीड ऑन भरनी होती है एवरी मंथ, मई मंथ की। आप 10 जून तक फाइल कर लेना। 10 के बाद जीएसटी में जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 11th जून। बहुत से पर्सन के पास जीएसटी में मंथली स्कीम है, तो मंथली जीएसटी 1 फाइल करनी है 11th तक। देन अगर क्वार्टरली स्कीम है, क्यूआरएमपी स्कीम में अगर आप हैं, तो 13th तक आईएफएफ आपको भरनी है, अगर आप बी2बी ट्रांजैक्शन करते हो। अदरवाइज भी ये वैसे ऑप्शनल है, बट अगर बी2बी अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो भर लो आईएफएफ में डेटा, उससे ये कि सामने वाली पार्टी को क्रेडिट मिल जाएगा आईटीसी का, और आपको भी ये डिटेल बार बार नहीं भरनी पड़ेगी। एक बार आईएफएफ में डाल दी तो फिर से जीएसटी 1 में डालने की कोई भी नीड नहीं रहेगी, ठीक है। इसके बाद जो डेट आ रही है 13th को ही, अगर आपके क्लाइंट है आईएसडी जिनकी जिनका है एज आईएसडी रजिस्ट्रेशन, तो जीएसटीआर 6 जानी है। देन अगली डेट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3B मंथली वाली, 20th जून तक आपको भरनी है। इसके साथ ही जीएसटी भी पे होता है अगर आपकी लाइबिलिटी बन रही है, ठीक है। देन हमारी जो नेक्स्ट डेट है 20th ही है, अगर आपके क्लाइंट हैं जो नॉन रेजिडेंट हैं उनकी रिटर्न भरनी है, तो 5A 5A जो भी एप्लीकेबल है वो आपको भरनी है। इसके अलावा जो डेट्स दिख रही है ना, जो मैंने यहाँ से मिस कर दी है, वो जुलाई की है। ये भी जुलाई है, ये भी जुलाई है, दिस इज ऑल्सो जुलाई, ठीक है। और मैंने आपके साथ जीएसटी की डेट्स डिस्कस कर दी है। नाउ मूविंग ऑन फॉर द इनकम टैक्स डेट्स। सबसे पहली डेट आएगी इनकम टैक्स में 7th जून। 7 जून तक अगर आपने मई मंथ में टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करा है, तो अब आपको पे करना है गवर्नमेंट को थ्रू चालान 281, भरना मत भूलना, इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। देन अगली डेट आएगी 15th जून, इस पे ढेर सारे काम है। एक तो सर्टिफिकेट्स है टीडीएस के, अगर आप टीडीएस डिडक्टर है तो सर्टिफिकेट्स आपको देने हैं, और ये वाले सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे पहले के क्वार्टर्स के तो दो ना दो तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट अब तो देना ही पड़ेगा क्योंकि आईटीआर की डेट इसी से लिंक है, सबकी आईटीआर इसी के बेस पे जा रही है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट इशू कर दो, वेदर फॉर्म 16 है या 16A। 15 जून को ही आपको पीएफ एंड ईएसआई अगर आपने डिडक्ट करा है उसकी पेमेंट करनी है, एंड 15 जून को ही एडवांस टैक्स की भी पेमेंट होनी है, ठीक है। कौन से असेसमेंट ईयर का है ये, 2023-24 या फाइनेंशियल ईयर 22-23, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है एडवांस टैक्स की इस फाइनेंशियल ईयर की। तो अपने क्लाइंट्स को रिमाइंड करा दो, जिनके भी आप एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी पे कराते हो, कैलकुलेशन करके उनकी एवरेज और उनका एडवांस टैक्स डिपॉजिट करा दीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट थी, और साथ ही ना पैन आधार लिंक अगर आपने मिस कर दिया था 31 मार्च तक, तो आपको पता होगा गवर्नमेंट ने लेट फीस के साथ इसको अनाउंस किया कि आप 30 जून तक इसको लिंक करा सकते हो। अभी ₹500 की लेट फीस लग रही है, तो 30 जून तक ये एक्शन ले लो, जिसके लिए भी ये पैन आधार लिंकिंग पेंडिंग पड़ी है किसी भी रीजन से, पैन डेटा मैच नहीं था, आधार डेटा मैच नहीं था, तो क्लाइंट्स को बोलो कि फटाफट अपने अपडेशन करा ले और फिर पैन आधार लिंक करा ले। पोर्टल पे ये ऑप्शन एक्टिव भी हो गई है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है लिंक आधार। अभी 2-4 दिन पहले तक इस पे आप क्लिक करते थे ना तो ये अंडर मेंटेनेंस वगैरह दिखाता था, अभी एक्टिव हो गया। यहाँ पैन डालना है आपको, यहाँ पे आधार डालना है, और ये आपका जो पैन आधार है वो लिंक हो जाएगा। इसके बाद की डेट्स के लिए हम चल रहे हैं एमसीए की वेबसाइट पे, mca.gov.in पे ले आई हूँ आपको मैं। यहाँ पे एलएलपी के लिए रिलैक्सेशन दी गई थी, एलएलपी के जितने भी इवेंट बेस्ड ई फॉर्म्स है ना, जो 25 फरवरी से 31 मई तक भरने थे आपको, उनकी डेट 30 जून कर दी थी, और एलएलपी का फॉर्म 11 उसकी भी 30 जून कर दी थी। साथ ही अगर आप एमसीए के काम करते हैं तो आपको पता होगा DPT-3 फाइल करना था, उसकी भी डेट क्या कर दी है गवर्नमेंट ने, 30th, उसकी डेट जो है मतलब कर दी नहीं है, डेट है 30th जून
2022। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस, मेरे ख्याल से मैंने सभी कवर कर लिए। कोई मैंने मिस कर दिया कंप्लायंस, देन यू कैन कमेंट बिलो, ताकि और पर्संस को भी पता चल सके। नाउ मूविंग ऑन टू आवर वेबसाइट एंड कोर्सेज, हमारा जीएसटी का डिटेल्ड एंड अपडेटेड कोर्स, अगर आपको लगता है कि आपकी आधी अधूरी सी नॉलेज है जीएसटी में, या फिर आप जीएसटी में काम करना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स लीजिए। दिस इज प्रैक्टिकल कवर्ड कोर्स, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आईटीआर फाइल करनी है आपको सभी की, दूसरे पर्सन की भी, तो आप हमारा ये आईटीआर फाइलिंग का कोर्स लीजिए। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या studybuddy.com को विजिट कर लो, या फिर हमारी ऐप डाउनलोड कर लो। बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हो अब लाइफ में, चाहे ऑटोमेशन, यानी वेदर आपका क्लाइंट डेली आए आपके पास, तो भी आप बैलेंस शीट उनको दे सको, तो हमारा ऑटोमेशन का कोर्स लो। सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कॉम्बो भी अवेलेबल करा रखे हैं हमने। जो भी आप कोर्स लेना चाहें, पढ़िए उसे केयरफुली कंटेंट उसका, और उसमें एनरोल कर लीजिए। प्ले हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करना मत भूलना, बता भी देना कैसी लग रही है आप। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।